अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो है एंड गेट। तो सबसे पहले एंड गेट की डेफिनेशन है कि द सर्किट विच इम्प्लीमेंट्स द एंड ऑपरेशन इज नोन एज एंड गेट। कैसा सर्किट जो कि एंड ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करता है उसे हम कहते हैं एंड गेट। उसके बाद जो है वो हम सीधा जो है इसका देखेंगे ट्रुथ टेबल। जी तो ये हमारे पास है एंड गेट का ट्रुथ जो है वो टेबल। यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट होते हैं, यहाँ पे इनपुट ए और बी, ये इसको जो है वो हम इनपुट कहेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक जो है वो आउटपुट होता है और आउटपुट हमारे पास यहाँ पे एक्स। अगर हम इनपुट की दो वैल्यूज देंगे तो हमें सिर्फ वो सिर्फ एक ही जो है वो आउटपुट की जो है वैल्यू मिलेगी। तो ये हमने जो है वो कैसे ये कॉलम जो है वो लिखना है और ये बी वाला कॉलम कैसे लिखना है, तो उसके लिए जो है एक टेक्निक होती है कि यहाँ पे आपके पास जो है वो दो इनपुट हैं तो टू की पावर जो है वो टू ले लें तो ये आपके पास जो है वो आ जाएगा फोर। यानी कि टोटल यहाँ पे हमारे पास जो है वो कॉलम में हमने चार जो है वैल्यू जो है वो लिखेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे 0 1 ही हमारे पास यहाँ पे जो है वैल्यूज होती है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ए, पहले वाला जो हमारा इनपुट है 2 0 2 1, और इसी तरह जो है यहाँ पे आप लिखोगे 0 1 जो है वो 0 1। और एंड गेट में जो है वो वैल्यू आउटपुट की यहाँ तो जो है वो 0 आएगी, यहाँ जो है 1 आएगी। तो यहाँ पे 1 वैल्यू एंड गेट में हमेशा तब भी आती है जब हमारे दोनों के दोनों जो है वो इनपुट जो है 1 होते हैं, वरना अगर हमारे पास इनपुट में एक भी जो है वो 0 आ जाए तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट की वैल्यू है वो हमें हमें हमेशा जो है वो हमें 0 ही मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले जो इसमें दोनों ही इनपुट हमारे पास 0 है तो आउटपुट भी 0 है। यहाँ पे हमारे पास पहला इनपुट जो है वो 0 है तो आउटपुट जो है वो 0 है, और यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो है इनपुट 0 तो हमारा आउटपुट भी जो है वो 0 है, और यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है 1 1 है क्योंकि दोनों के दोनों जो है इनपुट हमारे पास 1 है। यानी कि दूसरे लफ्जों में अगर हम ये कहेंगे एंड गेट की वैल्यू आउटपुट की वैल्यू सिर्फ वो सिर्फ 1 जो है वो तब होगी जब हमारे दोनों के दोनों इनपुट जो है वो 1 होंगे। तो यही जो है वो हमारे पास जो है वो एंड गेट का जो है ट्रू टेबल है। अब इसकी जो है वो देखेंगे फर्दर जो है एक्सप्लेनेशन। एंड गेट हैज़ टू और मोर इनपुट, कि इसकी दो या दो से ज़्यादा इनपुट की वैल्यू जो है वो होंगी। यानी कि जो हमने अभी देखा इसके ट्रू टेबल में इसकी दो जो है इनपुट की वैल्यूज़ हैं एंड ओनली 1 आउटपुट, वो इसका सिर्फ आउटपुट जो है वो एक ही होगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि आउटपुट ऑफ एंड गेट विल बी 1, कि एंड गेट के आउटपुट की वैल्यू 1 होगी कब, जब ओनली व्हेन ऑल ऑफ इट्स इनपुट आर 1, जब इसकी तमाम इनपुट की वैल्यू 1 होगी। और कब जो है ये आउटपुट हमारा 0 होगा, फॉर आल अदर जो है सिचुएशंस आउटपुट विल बी 0। दूर जो है बाकी अगर जो है वो दोनों इनपुट हमारे जो है वो जब जो है 1 नहीं होंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो 0 ही होगा। इसके बाद जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि इसको हमने ज़ाहिर जो है वो कैसे करना है एंड जो है वो गेट को, कि सिंबल फॉर एंड ऑपरेशन इज डॉट। एंड जो है वो गेट को हम जो है वो डिनोट करेंगे डॉट के जो है वो सिंबल से। जी अगर तो हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको जो है वैसे लिखेंगे कि एक्स जो है वो इक्वल ए डॉट बी। ए और बी हमारे पास दो इनपुट हैं, एक्स हमारे पास यहाँ पे आउटपुट है। इसको हम कैसे रीड करेंगे कि रीड एस एक्स इक्वल ए एंड बी। लास्ट पे जो है इसकी हमारे पास है डायग्राम कि एंड गेट की जो है वो डायग्राम जो है वो क्या है, या इसका सिंबल जो है वो आप कह सकते हैं कि इसकी सिंबल जो है वो ये वाली है। ये दो आपके पास जो है इनपुट हैं और ये हमारे पास जो है वो हमें जो है ये दोनों इनपुट जो है मिल के हमें एक जो है वो आउटपुट जो है वो देते हैं। ये था इसका जो है वो टोटल जो है कॉन्सेप्ट। नीचे जो है इसका जो है ट्रुथ टेबल है, ये हो चुका है पहले।